हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे आईटीआई मैकेनिक मोटर व्हीकल, आईटीआई डीजल मैकेनिक एंड आईटीआई अदर ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी के इम्पोर्टेंट 7 क्वेश्चन पूछेंगे। आपको इन क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में देना है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 1, आईटीआई किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है इंडियन टेस्टर इंडस्ट्री, बी ऑप्शन है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, सी ऑप्शन है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डी ऑप्शन है इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसका राइट आंसर है सी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशिक्षणार्थी की संस्थान में कितनी उपस्थिति अनिवार्य है? ए ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन है 65%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 80%। इसका राइट आंसर है डी, 80%। क्वेश्चन नंबर 3, पूरे भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किसके द्वारा दिए गए एक ही पाठ्यक्रम का पालन करते हैं? ए ऑप्शन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSDC, बी ऑप्शन है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT, सी ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT, डी ऑप्शन है नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NVEQF। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, NCVT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ए ऑप्शन है 12 वर्ष, बी ऑप्शन है 14 वर्ष, सी ऑप्शन है 18 वर्ष, डी ऑप्शन है 21 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 14 वर्ष। दोस्तों, आईटीआई में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कौन सा है? ए ऑप्शन है 0.1 mm, बी ऑप्शन है 0.02 mm, सी ऑप्शन है 0.001 mm, डी ऑप्शन है 0.2 mm। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 0.02 mm। दोस्तों, जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सेंटर पंच का बिंदु कोण होता है? ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 60 डिग्री और डी ऑप्शन है 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न स्पैनर को पहचानिए। दोस्तों, आपके सामने ये स्पैनर है, आपने इस स्पैनर को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा स्पैनर है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है रिंग स्पैनर, बी ऑप्शन है ओपन एंड स्पैनर, सी ऑप्शन है रिंग और ओपन एंड स्पैनर, डी ऑप्शन है सॉकेट स्पैनर। इसका राइट आंसर है सी, रिंग और ओपन एंड स्पैनर। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।